तो एससीएफ सौम्य महापात्र मृत्यु मामलें जो चित्र आम आप पहुंचाऊ विद्याभारती घर पहुंची पुलिस एवं तदंत आज सका साढ़े तीन घंटा धरी सौम्य बापा माँ भाई साढ़े तीन घंटा धरी पचरा उचरा कर पुलिस और ए तदंतकारी टीम जा विद्याभारती घर पहुंची सेठार तदंत आरंभ कर विद्याभारती पचरा उचरा जो तमाम अभियोग आसूरी सौम्य पर तरफ जे सौम्य मृत्यु पचरें विद्याभारती मुख्य कारपेटदार विद्याभारती डीएफओ सहित मिसी सौम्य हत्या करते पर आत्महत्यार रूप दि जाइए एने पूर्व बारंबार सौम्य माँ अभोग कर डीएफओ और विद्याभारती अनैतिक संपर्क जो कुकर्म को पु सौम्य निजे देखा सहित कल कर जनई सौम्य माँ कहते पर अनेक घटनाक्रम सामना को आसी जहाँकि विद्या विद्याभारती सन्देह घेर को आनी प्रथम आज सका पुलिस छह जनिया टीम प्रथम सौम्य घर पहुंचा सेठे बापा माँ भाई माई एवं साई पड़सा पचराउचरा जेरा करा चित्र आसी पहुंचुची विद्याभारती घर वर्तमान पहुंची से ही टीम तदंतकारी टीम वर्तमान विद्याभारती घर पहुंचा पर पचराउचरा कर चित्र आम सीधा सड़क आप पहुंचाऊ विद्याभारती घर घर जो पुलिस पहुंची सारी एवं सौम्य मृत्यु मामला जो बड़ रहस्य रही तार पर्दाफाश करने पुलिस आउ पादे आगे कौन कौन सब प्रमाण एपर्यंत पुलिस हाथ लगला तदंत के बाट आगे से नहीं जदिव पुलिस एपर्यंत स्पष्ट करूना क्लीयर कट प्रतिक्रिया रखुना कितु क्योंटा क्यों तदंत आगे गजपति एसपी तपन पट्टनायक सीधासल आम प्रतिनिधि संतोष जेना सहित आलोचना बेले कहते जो मान आसूँ ये घटन समस्त को तदंत करण उपर स्तर चाप ना कौन चापर पुलिस एपर्यंत चेपा होना जो मान ना आसूँ ये घटन जो मान अभोग आसूँ समस्त को घटनार तदंतर परिसरभुक्त कर समस्त को पचराउचरा कर प्रथम भिजुआल भाव फास्ट भिजुआल जहाँ आम आप पहुंचाऊ चित्र हूँ विद्याभारती घर चित्र जो पुलिस पहुंची एवं पचराउचरा आरंभ कर सौम्य मृत्यु मामला जहाँकि राज्य में एक चर्चित खबर रही ए हत्या पचर रहस्य कौन प्रकृतर हत्या करा जाई ना आत्महत्या करी ना अस्वाभाविक मृत्यु होई किए हत्या जदि हत्या करा जाई किए हत्या करी जो परिवार लोके अभियोग आणुचे सौम्य पत्नी विद्याभारती ए हत्यारे सामिल अच्छा रोसेया सामिल अच्छा हत्याकांड में तत्सहित डीएफओ नाम सामना को आसूँ डीएफओ निजे जेहेतु सौम्य पत्नी सहित अनैतिक संपर्क थी तेणु सौम्य को बाटर हटावाप ये भाव एक षड़ षड़ शिकार होती सौम्य रंजन महापात्र एपर्यंत विभिन्न दिग्कुनी आकलन कर सौम्य मृत्यु यही हो पारे ये हत्या करवल जे हत्या करे कि भाव डाक्तखाना उपयुक्त चिकित्सा न मिल पार से नहीं विधिवद्ध षड़ कर बाटर आंबुलांस को कहुच अधघंटापी अटका जाता एवं क्यों पचारे कहार निर्देश ये भाव कार्य चली जन मृतकों मृतकों पर लोके अभोग आणुचे विद्याभारती संपर्क सामिल अच्छा डीएफओ निजे सामिल अच्छा मुख्य कारपेटदार तत्सहित तो रोसेया सामिल अच्छा ये घटना को सात दिन बीती एपर्यंत यार भितर जहाँ सूचना आसी पहुँचुची जे आज सका प्रथम सौम्य रंजन घर पुलिस अधिकारी पहुँची थे और सेठे जेरा करपा माँ भाई पाख पड़सा माई मामू एम सब जेरा कर पुलिस टिकनिक पचार प्रकृत में सौम्य मृत्यु को नहीं से जो आकलन करते सत एवं जो आकलन करें अच्छा से पुलिस हाथ में बेस किसी भिजुआल लगी बेस किसी तथ्य लगी तथ्य को आधार कर पुलिस तदंत को आगे बढ़ाऊ आउ ए पुलिस विद्याभारती घर पहुंची विद्याभारती जहाँ को मुख्य अभियुक्त कहुच्ची पर लोके कहते बहु ही पुअर हत्या कर एवं एग्रीमेंट मैरिज करते वर्षिकिया एग्रीमेंट मैरिज बोली विद्याभारती सासु निजे कहते पुआ फोन करी कहते कॉल करी कहते कि भावे स्वामी स्त्री कौन से संपर्क ना विद्याभारती आउ के संपर्क रही विद्याभारती आउ क्या चाहूल बहुत पूर्व प्रेम संपर्क यह संगीन अभियोग सब आनी माँ आनी सौम्य माँ एवं सौम्य माँ सामना को आसी मुह खोल पर यह घटना आहरी रहस्य घेर रही ए रहस्य उपर केदा हटव केबे पुलिस ए रहस्य उन्मोचन उन्मोचित करे प्रकृत घटना क्लीयर कट पिक्चर सामना को आसूर वर्तमान राज्यवासी नजर रही गजपति पुलिस गजपति एसपी सीधासल कहते कौन प्रेसर नहीं पुलिस पुलिस कहा चापर एपर्यंत चेपा होना तदंतर जो जो दिगक आगे बढ़ाया कथा से दिगक आगे बढ़ी पुलिस एवं खूब शीघ्र जदि सौम्य हत्या कराई अभियुक्त दोषी पाखे खूब शीघ्र
पुलिस पहुँचव खूब शीघ्र सौम्य परिवार को न्याय दिजो कि बड़ प्रश्न घटना को सात दिन बीतला संजय महालिक आम प्रतिनिधि अच्छा सीधा नहीं चलु अधिक सूचना संजय केते जनिया टीम पहुंची वर्तमान देखंतु अपूर्व वर्तमान जो विद्या भारती जो रही घर रही घर निकट में वर्तमान छह जनिया पुलिस टीम जो आसिक पहुंची पारला खेमंडी तेज अधिक तदंत से घर भितर अच्छा घर भितर जो जो मोबाइल रही जो दिव्यांकर मोबाइल रही विद्यांकर मोबाइल रही सौम्यंकर जो मोबाइल रही अधिक जांच करेंगे और परिवार समस्त बयान रेकर्ड कर तेज आप घटना देखूँ जो भाव में सौम्य एसीएफ मृत्यु घटला और पारला खेमुंडी अंचल और पड़ जाता शरीर पाखापाखी पंचानबे भाग जो पड़ जाता नहीं कि जो घटना घटी तेरे ये जो चांचल्यकर घटना जो भाव में सामना को आसी धीरे धीरे ये जो सूताक्ष खोल लगी तेज आउ गोटे आश्चर्यकर कथा एत सबू घटना पर विद्यांकर परिवार बापा माँ पर लोके कौन मुह खोलना गणमाध्यम आगे तेज ए घटना को लेकिन सौम्यांकर पर जो रही बापा माँ और मामू विस्फोरक बयान देखते जे डीएफओ सहित अनैतिक संपर्क था जो कारण मृत्यु घटला हत्या कर दिया बोल कि जो अभोग आनी सौम्यंकर बापा तेज ए घटना को लेकिन बर्तमान जो तदंत प्रक्रिया आरंभ हो पारला खेमुंडी जो छह जनिया पुलिस टीम तक अधिक तदंत प्रक्रिया आरंभ हो प्रथम बालेश्वर खैरा अंचल में पहुंची थे स्वर जो खैरा अंचल जो सौम्यंकर पर अच्छे तदंत जो बयान रेकर्ड करतमान जो कप्तीपदा अंचल जो गौड़ गाँव अच्छी गौड़ गाँव में बर्तमान विद्यांक घर निकट में बर्तमान पहुंचा और घर बर्तमान उपस्थित अच्छा छह जनिया पुलिस टीम अच्छा अधिक पचरा उचरा कर तेरे आम सहित अच्छा एसआई अच्छा जी पारला खेमुंडी अच्छा तबे से पुलिस टीम माने अच्छा तबे अपूर्व आम कहीपर यही पचरा उचरा पर तदंत प्रक्रिया बयान रेकर्ड पर निश्चित भाव में अधिक ये जो चांचल्यकर घटना बा मृत्यु रहस्यर निश्चय भाव परदा हटि पार अपूर्व तेरे संजय पुलिस हाथ में एपर्तंत किसी बलिष्ठ प्रमाण लगला किसी क्लू जहाँ कि पुलिस को तदंत आग को साय बढ़ दोषी पाखे पहुँचवे सा ना एबे भी पुलिस आमे सूचना नौ प्रतिनिधि अच्छा खैरार मनोज अच्छा प्रतिनिधि आमर जे खैरार प्रतिनिधि अच्छा मनोज अच्छा आम प्रतिक्रिया नौ जो विभिन्न दिग रही जो दिग्वर अभोग आनी पर लोके सौम्यंकर पर लोके जो जो दिग्वर सब अभोग आनी जो आंबुलांस अटकवा कथ कहतु कि डीएफओ सहित अनैतिक संपर्क कथा कहतु विभिन्न अभोग जो आनी से बलिष्ठ प्रमाण दे जो छह जनिया पुलिस टीम को प्रमाण देते तहारी उपरे ही अधिक गुरुत्वर सहित तदंत प्रक्रिया आरंभ हो तेज आप देखिपे बर्तमान जनअरण्य बर्तमान जो विद्या परिवार घर निकट में साधारण लोक मैंने ठिया होती पुलिस अधिकारी मैंने अच्छा गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने अच्छा सब विभिन्न प्रकार सबू वर्गर लोक मैंने अच्छा केवल समस्त नजर रही घटना उपरे तेज घटनार कौन विस्फोरक मोड़ सामना को आसूसी ना हत्या ना आत्महत्या ना कौन रही घटना या उपरे निश्चय भाव में तदंत प्रक्रिया आगे चलती तेज दिगरे अधिक तदंत पुलिस एठार आबुठ बड़ कथ हूँ सी जो मोबाइल कथ कह देखो विद्या भारती जो मोबाइल और सौम्यांकर जो मोबाइल सब दुईट जाक मोबाइल वर्तमान विद्या भारती निकट में अच्छी तेरे ए घटना को लेकिन जिते बड़े आम प्रक्रिया नापी चेष्टा करूँ समस्त मना करते okay. तेरे आउ गोटे कथा हूँ जो जो जगार पोड़ा शरीर जो सौम्यंकर पड़ जा देह को उद्धार कर आंबुलांस मेडिकाल को निया तेरे घटनास्थल में कौन सी जो चिन्ह ना पोड़ार दाग ना बोली पर लोके अभोग आनी तेरे यही सब विभिन्न दिग जो रही जो सन्देह सृष्टि परिवारवर्गों से सन्देह को सेमाने विभिन्न समय थाना द्वारस्थ होती डीजी पाखु आरंभ कर स्थानीय जो पारला खेमुंडी आईआसी निकट समस्त दिग्गज अभियोग कर तेरे अन्य समय से मुख्यमंत्री को आकर्षण करेंगे न्याय पाइबा तेरे ए दिगरे पुलिस कौ आधार जांच प्रक्रिया आरंभ कर सात दिन बीती जाए पुलिस अधिक कौन आज पाखु बयान रेकर्ड कर आधार ए तदंत प्रक्रिया अधिक देखा जाता ही देखा बर्तमान बाकी अच्छी तेरे आप देखुं सीधा सड़क चित्र देखुं बर्तमान गौड़गाँव अंचल में वर्तमान पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करी कारण रहस्य रू पर्दा हटाई पुलिस आक्शन मुड को आसी विलंब परिवार लोके बारंबार अभियोग करने आक्शन मुड को आसी पुलिस प्रथम आज बालेश्वर खैरा अंचल में पहुंची पुलिस तदंत करुता एवं कप्तीपदा अंचल में पहुंची चिन्मयी मो सहयोगी अच्छा न्यूज रूम संपर्क में अधिक सूचना देते आप अधिक खबर पहुंचाइए।
निश्चित भाव में अपूर्व सबुठ बड़ प्रश्न हूँ जेहेतु विद्या भारती थिले सौम्यंकर जितेबाला एभली घटना घटला वो हत्या करा जाई ना यह गोटे दुर्घटना ये वर्तमान सस्पेन्स घेर एथ पत्नी थी समय जो 99% गोटे शरीर में निया लागी जाउची बा से पोड़ी जाइची से पर्यंत स्त्री केमती जानी पालेनी आउ जदी ता पूर्वरु से तांको हॉस्पिटल नै थांते हुए तो से बंची जाई पाली थांते कोटिना कोटी परिवार लोके अभिजोग आडुचंती ये होची गोटे षडयंत्र बा तांको हत्या करा जाइची जाकु नै विभिन्न प्रकार वर्तमान तथ्य मध्य सामना को आसुची आउ जो तथ्य आधार रे वर्तमान पुलिस मध्य जांच प्रक्रिया आरंभ करिछि किंतु या भितरे तांको लैपटॉप को कथा कहबा एसएफ सौम्यंक लैपटॉप कथा कहबा हाथ लेखा डायरी ये सब वर्तमान साइंटिफिक टीम हस्तांतर करिछि एवं तांको कार्यस्थळी को मध्य तदंत पई जाईथिला सेतिरु कोण अधिक खिय बाहर करिछि पुलिस ये मध्य एक बड़ दिग परिवर्तन करि पारे बा गोटे बड़ दिग सूचाई पारे जे तदंत प्रक्रिया को आहुरी सरल करि पारे तबे वर्तमान आम सहित जोड़ी होती संजय संजय को पाख को जीवा संजय खास करी जो तदंत प्रक्रिया रे खास करी सौम्यंकर हाथ लेखा डायरी लैपटॉप एवं तांको ऑफिस को जीवा बा कार्यस्थळी को जीवा ये सब दिगरे साइंटिफिक टीम एवं पुलिस कौन सब अधिक प्रमाण हासिल करछि एने किछि सूचना आसुछि कि निहाती भावे चिन्मय देखंतु वर्तमान सुधा जहाँ आम पाखरे सूचना रही कि विद्या भारती जो अच्छा पाखरे एसीएफ जो सौम्य रंजन मोबाइल रही निज मोबाइल रही सौम्यंकर परिवार अभियोग आनी कि तदंत प्रक्रिया बाधा देपे और जेहेतु डीएफओ वर्तमान पदवीरे अच्छा नहीं अभियोग आनी कि जिते पर्यंत डीएफओ पदवीरे रही निश्चित भाव में यूँ तदंत प्रक्रिया बाधाप्राप्त हो तेब स्थानीय अंचल आम अच्छु स्थानीय अंचल बासिंदा मैंने अच्छा आम सहित जोड़ी कि ये घटना बाबद से पूरा देखुं तेज जानूं तेज आम प्रतिक्रिया नबू तर कौन प्रकृत से केमी भाव में जानते विद्याभारती पर आज्ञा आप स्थानीय अंचल हिसाब से जानते घटना को देखला कौन भाव आम कौन भाव आम कौन जानू ना कौन सी तो रोते हजार किलोमीटर दूर आम कौन जानवु से विषय में आम कौन जानवा आम तो गाँव में रही तेरे विद्या भारती स्वभाव केमती का था जिते बहुत पूर्व विद्या भारती स्वभाव केमती का था से केमती का लोक से भल थे मो देखा भितर सी तो भल बहुत भल थे जदि ये घटना किसी सत्यता थाए तो अभियोग कार्यानुष्ठान होगापी आप कौन कह जी दोषी सी दंड पाइब आम कौन कर निश्चित भाव आप शुणुले स्थानीय अंचल जो थे ग्रामवासी मानते से प्रतिक्रिया कौन निश्चित भाव में जदि कौन अभियोग जदि कौन यही जो घटना बाबद जे कौन दोषी थाए तो निहाती भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण कराऊ दृढ़ दृढ़ शास्ति दि जाऊ तेब आपण जहाँ चित्र देखुं वर्तमान एठार जो पारलाखे मुंडीर छ पुलिस टीम अधिकारी वर्तमान एठार आसी पहुंचती एवं तदंत प्रक्रिया आरंभ होई जहां वर्तमान चित्र आप देखते वर्तमान विद्या भारती को घरे के माने अछंती बापा एवं विद्या भारती दुई जन ना आउ के माने तांको परिवार लोके अछंती और सेमान को बयान रिकॉर्ड करा जीवो ना नाही वर्तमान पुलिस कोन सेठा को प्रमाण पई जाई छी ना बयान रिकॉर्ड पई जाई छी निहाती भावे जेहेतु विद्या भारती निकट में दुई दुईट मोबाइल वर्तमान रही गोटे हूँ निजर मोबाइल और आउ गोटे हूँ सौम्यंकर मोबाइल और आउ अधिक जो तदंत प्रक्रिया आरंभ करने जे बापा रही जे परिवार वर्ग रही बयान रेकर्डिंग जहाँ प्रतिक्रिया रखुते वर्तमान छः जनीया टीम रे नेतृत्व नौकर जो अधिकारी रही वर्तमान प्रतिक्रिया दूसरे जेहेतु वर्तमान तदंत प्रक्रिया अधिक आग को गुरुत्व दिज्व जो तांकर कॉल डिटेल्स डीएफओ एवं विद्या भारती जो मोबाइल रे कॉल रेकर्डस जो पूरा प्रक्रिया जांच करा जिबो एवं यह माध्यम रे से कहा को केते समय कथाई बा अन्य कौन सी जो सब समस्त दिगर मोबाइल समस्त दिगर जहाँ को जांच करा जिबो बोली जहाँ प्रतिक्रिया दौले जो अधिकारी रही तेबे ए बाबद वर्तमान घर तांको सौम्य विद्यांकर घर निकट में आसिक पहुँची छः जनीया पुलिस टीम पहुँची से वर्तमान पचराउचरा आरंभ करचंती बयान को मध्य रेकर्ड करा जाउची जेहेतु ए घटना गोटे विस्फोरक बयान नहीं मोड़ नहीं धीरे धीरे ए प्रक्रिया आहुरी जटिल दिग को गति करुच्ची तेबे निहाती भावे आशा करुचंती सौम्यंक परिवार से माने न्याय पाइपारे ये घटना अधिक तदंत वर्तमान समस्त नजर रहा खास करे जेते बले पुलिस टीम विद्या भारती घरे पहुंची
କଣ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀୟ କାଢୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆପେ ନଜର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ନିଜ କଷ୍ଟଡି ଭିତରକୁ ନେଇନି। କୋଠି ନା କୋଠି ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ କି? କାରଣ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଖାସ କରି ଯଦି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କେବେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ବା ହୁଅନ୍ତିନି, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତର୍ଜମା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, କୋଠି ନା କୋଠି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ କି? ନିହାତି ଭାବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର। ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧା ପାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦବୀରେ ଥିଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରା ନଯାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରା ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାରରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଜାରି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ିବା ଘଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ଯେଉଁ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ରେଫର କରିବା, ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଘର ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର 6 ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମୋବାଇଲଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରିବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଯେଉଁ କ୍ଷୀୟ ରହିଛି ସେ କ୍ଷୀୟକୁ ଆହୁରି ଖୋଲିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ସମୟ ଯେଉଁ ରହିଲାଣି, ମୃତ୍ୟୁର 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ମୃତ୍ୟୁର 7 ଦିନ ପରେ ମୋବାଇଲଟି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ନିକଟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗେଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଡିଜିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଣାଉଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି? ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ନା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର? ନିହାତି ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଘରର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି କ'ଣ ରହିବ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ଆବଦ୍ଧ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆସିକି, ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 3.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, 10ଟାରୁ ନେଇକି 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ପରିବାର ନିକଟରେ କେତେ ସମୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକ କେଉଁ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଟିମ୍ର 6 ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାବଦରେ ସେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ମୃତ୍ୟୁ କି ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆହେଇଛି, ତାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ରେଫର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଆସୁଥିଲା, ଖାସ କରି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଜପତିର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଇଏ ଡାକ୍ତର ଜଣକ କିଏ ଯିଏକି ସୌମ୍ୟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ରେଫର କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିଛି ନା ନାହିଁ?
निश्चित भाव चिन्मयी देखु जिते बड़े गजपतिर जो मुख्य डाक्तरखाना रही सेठे जड़े डाक्तर चिकित्सा करवा बेले आउ जड़े रेफर करे गोटे विस्फोरक जो दस्तावेज जो हाथ में लगी हाथ में लगी घटना को नहीं आम सत्य उन्मोचन करने चेषा करूँ कि देखो यही घटना बारंबार विभिन्न जो दिग रही जो अनेशत भाग पड़ जाता बेले कहीं जो एमकेसीजी मेडिकल को रेफर करा न जाए भुवनेश्वर को कटक को कहीं रेफर करा गोटे प्रश्नवाची ए दिगर जी आम देखा ये दिग गोटे गोटे सन्देह उपजाई अं कथा जी आम कहि जिते बड़े मेडिकल आंबुलांस भर्ती करा जाए डाक्तरखाना को निजाऊता बेल से बड़े विद्यार जो परिधान जो रही शाढ़ी बदलवाई पखापाखि एक घंटार अधिक समय नहीं तेज आउ गोटे ये गोटे सन्देह सृष्टि कर तेज यूँ विभिन्न दिग रही दिग आधार रे जो परिवार वर्ग माने अभियोग आनी दिग आधार रे पुलिस ही तदंत प्रक्रिया आरंभ कर तबे ये घटना आप देखुं ये घटनाटी हूँ वर्तमान आम अच्छु जो विद्याभारती जो घर रही जो गौड़ गाँ निकट घर रही तेज आम चेष्टा करूँ जो ग्राम जो स्थानीय पड़ोशी मान रही स्थानीय पड़ोशी मान कथा जो स्वामी मृत्यु संघर्ष करते पत्नी निजर परिधान बा वस्त्र को बदलवाई अर्ध घंटा समय रास्तार अटकाउँ आंबुलांस को ये कौटि ना कौटि एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुच्ची एक कथा जिते बड़े गजपति मुख्य चिकित्सालय जदि से गुरुतर थे कहीं एमकेसीजी को निगलानी आटक को स्थानातर करा हुए तो लंबा समय भितर जो समय भितर आंबुलांस आसी पहुँची ता भितर बोध हुए समय मृत्यु होती विद्याभारती स्टेटमेंट देते प्रथम स्टेटमेंट जे घटना घटी जो क्वार्टर रही सरकारी क्वार्टर से क्वार्टर भितर से निया लगे कि आत्महत्या उद्यम करहर निया लग जाइए एक कही कौटि ना कौटि जिते बड़े बयान गुड़िक एपट सेपट हो कथार तालमेल रोनी ये अधिक सन्देह सृष्टि करुच्ची पर लोकों अभोग कौटि ना कौटि आहरी ये घटनार क्षय काढ़ चेस्टा कर देखुं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव आलोचना करुचे पालाक्षेमुंटी एससीएफ सौम्य मृत्यु रहस्य घटना को लेकिन वर्तमान विद्या भारती बा सौम्य पत्नी घरे पुलिस टीम छजिया पुलिस टीम पहुंची पर लोक सहित विद्या भारती बयान रेकर्ड कर ते पुलिस कौन अधिक प्रमाण एथिरु बाहर करुँ तदंतर दिग कड़े जापे नजर रहा कि बड़ प्रश्न हो घटना को सात दिन बीतीगला किंतु गोटे पर गोटे नुआ तथ्य सामना को आसूँ घटना को आहरी नुआ मोड़ दौर तेज संजय पाखक फिर भी संजय जहाँ जिते बड़े सौम्यों बापा एसीसीएफ एवं डीजीपी को भेटा को गले तापरे ये पुलिस टीम आसी कौटना कौटि ये घटना लगुच कि पुलिस घटना को टी हालका भाव में नौ निहाती भावे चिन्मयी कारण जेहेतु ए घटनाटी सात दिन समय बीतीगला पुलिस आज तार जो तदंत प्रक्रिया आरंभ कर पुलिस आज जो विद्याभारती जो रही निकट आसी पहुँची तेज आम कहीपर कौटि ना कौटि पुलिस तार जो दायित्वहीनता एठार प्रकाश पाई तेरे जेहेतु जिते बड़े सौम्या बापा और पर लोके अभोग आणिले गणमाम सामन प्रतिक्रिया रखिले जे विद्याभारती डीएफओंर अनैतिक संपर्क हेतु सुपरिकल्पित भाव में हत्या कर को नहीं एक्शन मोड को आसला जो पारलाखेमुंडीर पुलिस तेरे ए घटना को नहीं जिते बड़े गणमाम पूरा चर्चा होता से पुलिस तार दायित्व बोध हुए मन पकड़ा तेरे आज जो घटना आम देखा आज पुलिस अधिकारी मैंने खईरार जो सौम्यों पर निकट में पहुंची थे और तापे आज बर्तमान आसी कप्तीपदा गौड़ गाँ जो रही विद्याभारती घर निकट में पहुंची पारे तेज सब बड़ आश्चर्य कथ हूँ विद्याभारती जिते बड़े आम दीर्घ समय धरिकी प्रतिक्रिया नाप चेषा करूँ कितु सी बयान देवाई जो प्रतिक्रिया सीधा सड़क मना कर देते तेरे कौटि ना कौटि ए घटना उपर निश्चित भाव में पुलिस एवं पूरा प्रशासनिक अधिकारी निश्चित भाव में शीतलता प्रकाश पाता जहाँ देखा मिली तेरे आम स्थानीय अंचल अच्छा स्थानीय अंचल जो ग्रामवासी मैंने रही पड़ोशी मैंने रही प्रतिक्रिया नबू आज्ञा घटना को अभाव देखुं घटना को तो आम जहाँ शुणते पाइले हूँ जो जई सौम्यरंजन जे तेने पोड़ी मृत्युवरण कर सबुठ बड़ कथा हूँ जे जड़े सौम्यरंजन जी एससीएफ थे घर 400 जो एमएल रो किरोसिन बोतल जबत होती तेज जड़े एससीएफ को घर 400 जो ग्राम रो जो किरोसिन बोतल जबत होगा और जो जगार देह मिलला पोड़ा अवस्था तेठी कौन प्रकार पोड़ा चिन्ह नाला तेज ए घटना निश्चित भाव में विद्या को सन्देह घेर को टाणी हाँ से जगह मुझे देखनी जहाँ तेनाली
ଦେଖୁଛେ ତାନେ ହେଉଛୁ ଟିଭିରେ କିମ୍ବା ଇଏରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ତାର ଯାହା ତାର ତଦନ୍ତ ପରେ ତାର ଜଣାଯିବ। ଏବେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତିକା ଥିଲା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତିକା ଥିଲା? ନା ନା, ସେ ଝିଅ ଭଲ, କାହିଁକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଘର ଇଏ, ଆମେ ତା ଛୁଆଟି ପାଖରେ ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁ। ଯଦି ଏ ଘଟଣାର ଯଦି ପୁରା ଯଦି କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ, ହତ୍ୟାକାରୀ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? ନା ସେଟା ତ ତାର ଆଇନ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ ସେଟାକୁ ଯିଏ ହେଲେ ବି ତାନେ ତାନେ ତାର ହେଉଛୁ ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ତା ସିଏ ତାନେ ତାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଏଟାର କ'ଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଲା ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉ, ଏ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହତ୍ୟାକାରୀ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାର କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରୁଛି, ବା ଯେଉଁ ଦୋଷୀ କିଏ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତର ଦୋଷୀ କିଏ ରହିଛି, ବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ଡିଏଫଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରୋଷେୟା ଏବଂ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଘଟଣାକୁ ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲେ କଷ୍ଟଡିକୁ ଅଣାଯାଇନଥିଲା। ଆଉ ଘଟଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୋଟି ନା କୋଟି ପୋଲିସ ସେ 2 ଫୋନ୍କୁ ସିଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 6 ଜଣିଆ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଅଧିକ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ବା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଆଉ କେଉଁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ସେପଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜବତ କରିଛି, ତାଙ୍କ ହାତଲେଖା ଡାଇରୀ ଇଏ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଘଟଣା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ, ୟା ଉପରୁ କେବେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠୁଛି, ୟା ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।